ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष के इकट्ठा होने पर कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा कवच भारत की जनता है, हमारी सरकार प्रगति और विकास की सरकार। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने जिस सेवा भाव में कोरोना काल में जनता की सेवा की, और जो लोग एयर कंडीशन के कमरे में बैठे हुए थे, जिन लोगों ने एक तिनका नहीं उठाया उस कठिनाई के समय में, अब जब परीक्षा की घड़ी आ रही है तो बौखलाहट हो रही है और सब इकट्ठे हो रहे हैं कि कैसे एक जनसेवक पर प्रहार किया जाए, कैसे भारत के एक नवीन निर्माता के ऊपर प्रहार किया जाए। भारतीय जनता पार्टी एकात्म मानववाद और अंत्योदय के लक्ष्य के साथ अपना कार्य करती रहेगी।